थाना गोविंदपुरा क्षेत्र के गौतम नगर में शराब कारोबारी के घर पर दो हथियार बंद बदमाशों ने धावा बोलकर 15 लाख रुपए की लूट की है। यह घटना उस समय हुई जब शराब कारोबारी के घर में केवल 4 कर्मचारी मौजूद थे। लुटेरों ने शराब कारोबारी के घर पर अड़ाकर हमला किया और लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने विशेष रूप से एक मैनेजर का नाम लेकर घर में घुसने का प्रयास किया था। यह व्यापारी पहले भी लूट की कोशिशों का शिकार हो चुका है। लूट की घटना के 3 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है और लुटेरों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस टीम फिलहाल आरोपियों के बारे में जानकारी जुटा रही है और इलाके में गहन छानबीन कर रही है। संदिग्धों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। इस घटना के बाद सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है और सुरक्षा के कड़े उपाय लागू किए गए हैं। जैसा कि फरियादी ने बताया है कि सुबह लगभग 8-9 बजे की बात है, इसमें दो लोगों ने दरवाजा बेल बजा के दरवाजा खुलवाया है किसी व्यक्ति को पूछते हुए, और इसके बाद वो लोग अंदर आए हैं। फिर उसके बाद जो व्यक्ति ने दरवाजा खोला था उसके हाथ पकड़ते हुए पीछे से बांधते हुए ऊपर ले गए हैं और पूछा है कि कैश कहाँ पे रखा है, और इसके बाद उन्होंने उस रूम में जाके उस कैश को लूट के ले गए हैं। हाँ, अभी सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक कर रहे हैं और इसमें कुछ फुटेज वगैरह मिले भी हैं और जो भी टेक्निकल एविडेंस है वो सब इकट्ठे किए जा रहे हैं। मैम, क्या बताया जा रहा है कि मैम ये पुरानी एक लूट हुई है, उससे इसके तार कहीं ना कहीं जुड़ते हैं? 2 तारीख को जो लूट हुई थी उनसे जुड़े हुए हैं, उन्हीं का नाम उस लूट को पुलिस भी कह रही थी कि वो सही नहीं है, इस तरह की बातें सामने आई थी, लेकिन अभी वाली घटना भी हो गई है। ये आपको लगता है कि कुछ लापरवाही थाना स्तर पर भी हुई है? नहीं, वेरीफाई कर रहे हैं उसमें कि अगर पहले इस तरीके की कुछ घटना हुई है उसमें क्या चीजें पाई गई हैं, और अभी भी जो ये घटना हुई है इसके बारे में भी टीम लगातार अपना काम कर रही है, शीघ्र ही हम इनको उसको पकड़ेंगे। मैं उनकी घटना पिछली जो घटना हुई थी उससे कांटेक्ट है क्या मैम, इसका इससे लेना देना है? वो उन्होंने अभी मेरे फरियादी से बात की है तो उन्होंने बताया कि कुछ इस तरीके की घटना हुई थी, उससे भी जो अगर उस तरीके के लोग और ये घटना में लोग अगर सेम है तो इसको भी वेरीफाई किया जाए। 2 तारीख को वो घटना हुई थी, अभी ये 10-12 के करीब का इन्होंने बताया है और एग्जैक्ट फिगर ये बताएंगे। 2 तारीख को जो लूट हुई थी उसमें क्या आप लोगों ने? 2 तारीख को लूट को ही नहीं हुई, कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। उसमें क्या कोई नहीं कोई FIR मेरे इसमें नॉलेज में नहीं है कि लूट संबंधी कोई हमारे जोन 2 में इस तरह कोई घटना हुई है। मैडम, इसी फ्लैट में जो मैनेजर थे उनका ये आरोप था कि उस समय लूट की कोशिश हुई थी, उस समय थाने भी गए थे, FIR हुई या नहीं हुई? उसमें अगर FIR नहीं हुई तो उसके पीछे क्या कारण था, क्या पुलिस ने इग्नोर की थी वो घटना? नहीं, पुलिस द्वारा कोई इग्नोर नहीं किया गया है। इसमें अभी मेरी बात हुई है फरियादी से और वो जो बता रहे हैं घटना को उसको हम देख रहे हैं कि किस तरीके लोग थे, क्या उन्होंने कोशिश की है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। संचालित हो रहा था, जानकारी मिला क्या? नहीं, ये अभी मैंने ये थाना को निर्देशित किया है कि इसमें जो भी चूंकि माननीय विधायकों की एक घर है उसमें उनसे जानकारी ली जाए कि कौन कौन से किराएदार हैं। वैसे इसमें जो भी मकान मालिक होता है उसकी जिम्मेदारी रहती है कि वो संबंधित थाने को सूचना दे कि इसमें कौन कौन से किराएदारों को वेरिफिकेशन वगैरह भी होता है, और इसमें चूंकि माननीय विधायकों की एक घर है तो उनको भी सूचित किया जाएगा कि जो भी इसमें किराएदार हैं और जो भी व्यावसायिक गतिविधियां अगर इसमें संचालित हो रही हैं तो उसमें इसकी सूचना जरूर थाने पे दें।